माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं देखा तुम्हारे पीछे कितना प्यारा व्यू आंदा पे, सामने दरख्त ही दरख्त प्यारे प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी प्यारे बहन, ये देखो सब्जी सालन पकाए ही ना, ये चार नाल ना काज बेटियां जाके कुछ बनना ना लगे। अच्छा पानी लगा है, पानी करे नाल बनना ना लगे, मैं आई ले बेटी है पानी है, मैं गल पानी लगा उनके सही हो गई है। हाँ गल, चलो चलो बात तो सही है। प्यारे बहन भी ये देखें, बादल वगैरह भी बने हुए हैं, अल्लाह पाक रहमत की बारिश लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बहन भाई, आज मैं फसल को लगा रहा हूँ पानी, माशाल्लाह शाम का टाइम होने वाला है, हमारे पास 3:30 का टाइम और बादल आ गए, अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे। और अम्मी आई हुई है सब्ज़ी तोड़ने के लिए, पूछते हैं कि आज कौन सा सालन खाना है। जी पुत, हाँ जी की छा केड़े बूते। अच्छा जी प्यारे बहन भी, आवाज़ आ रही होगी पीछे पीटर की ना, तो अम्मी जी सब्जी तोड़ रही हैं, जैसे जी पट्टियाँ बिल्कुल जी, घर की सब्जी कितने पाई सब्जी माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बहन भाई ये देखें, तोरी, घी तोरी और कद्दू, तो जिस जिस बहन भाई को चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे बहन भाई आए हमसे मिले और ये सब्जी लेके जाएं घर की। अम्मी और आज तो सारा दिन पानी चलाए गए, कोई पता करने नहीं आया। सारा दिन हो गया पानी ला ला ला, अच्छा अल्लाह पाक बरकत पावे सारी फसल नो। कमला है तो समान समान कद्दू छोटा है, वड्डा हो बनिया ये जरा छोटा पाट ले तू। आए तेल है ये मेल है मेल है। अच्छा चलो तो मैं तो सर, चलो मैं आज पानी शानी ला के आता। अच्छा जी प्यारे बहन भाई, आपने ना बड़ा माखी उतारा है, ये देख रहे हैं, और इनका खाना चेक करें। अच्छा जी आपको हम ना दूसरा माखी उतारना है, तो वो भी दिखाते हैं किस तरीके उसको, मतलब कि उतारते हैं नीचे आराम से माखी लेके आते हैं, वो भी दिखाते हैं। और माखी जो मधुमक्खी होती है ना, उससे डर भी बहुत लगता है, तो देखते हैं अब मैं डरता हूँ कि नहीं। आराम ना खाओ ये आराम नाल मुकदा नहीं। अच्छा हनुमान तो पहले क्यों उठे हमें, पीड़ो पीड़ो माखी। प्यारे बहन भाई, हम ये ना जो सूर्यमुखी काटी थी ना, तो वो अब इकट्ठी कर रहे हैं। और ये जानवर देखो, ये सामने बहुत ज़्यादा ठुड्डे लग रहे हैं, ये देखें जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी वाले ना सी इकट्ठी करनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह के लगे हुए हैं, ये देखें। और अबू जी इकट्ठी कर रहे हैं साथ, जानवर वाला चाचू भी साथ रला हुआ है। जी शाम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी जी और अबू जी जा रहे हैं, बिल्कुल हो गया मुकम्मल,
तो अब मैं ये देने जा रहा हूँ टार्ट। ये देखें जानवर वगैरह हमारे गांव के लोग हैं ना, उन्होंने इस छेड़ा हुआ है जी। अब क्या ओ दास छोड़े हमें, हाँ मैं डाक चुके। अबू जी कह रहे हैं कि चाचू को बता दें जिसके हमने मतलब कटाई की है ना, कि वो अपनी जो भी है ना हार्वेस्टर वगैरह लगा ले यहाँ पे। उफ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक लाख लाख शुक्र है कि ख़त्म हो गया काम। वैसे तो आप कुछ बहन भाई मरे हैं बाहर के, उनको तो इतना नहीं पता होगा इस काम का, और जो पता तो होगा पाकिस्तानी है। अच्छा मेरे प्यारे बहन भाई, बहुत मुश्किल काम है सच्ची, बहुत इसकी जो होती है ना एलर्जी वगैरह जिस्म पे ना, बहुत मुझे भी एलर्जी हो गई है। तो मैं अब जाने लगा हूँ चाचू लोगों के घर, उससे वापसी पे अपने प्यारे बहन भाइयों से प्यारी प्यारी बातें शेयर करूँगा, और अपने जो भी सूरत हाल होगा वो दिखाऊँगा। अब मैं ना आराम से दे आऊँ। अच्छा जी प्यारे बहन भाई, मैं अल्लाह पाक का कितना भी शुक्र अदा करूँ ना कम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी की आज हो गया काम फाइनल। बस बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सर दर्द टेंशन होती है जब बंदा ना मजदूरी कर रहा हो, काम फाइनल ना हो, काम मुकम्मल ना हो, इस वजह से। प्यारे बहन भाई ऐसी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है, खैर खैरियत से दिन लगे हैं और जान भी लगी है, खून पसीना एक हो जाता है जब हम मजदूरी करते हैं मज़दूर लोग। तो आपने देखा होगा मैंने पहले भी व्लॉग बनाए हैं, तो कितना मुश्किल काम होता है, हार्ड वर्क होता है हमारे लिए। तो फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, हाथ सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना करके मतलब खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए व्लॉग बनाता हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के साथ अल्लाह पाक हमें ज़रूर सपोर्ट करेगा, ज़रूर सपोर्ट करेगा, और हमारे प्यारे बहन भाई ज़रूर तावन करेंगे। तो बादल भी आ चुके हैं, ये आप देख लें मौसम ख़राब होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो प्यारे बहन भाई के सामने कैमरे के सामने आता हूँ और प्यारी प्यारी बातें शेयर करता हूँ, और प्यारे बहन भाई वीडियो स्किप ना करिएगा। तो मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ ना, इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा सा अच्छा व्लॉग बना लूँ अपने प्यारे बहन भाई को लिए, अच्छा अच्छा व्लॉग बनाऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छे अच्छे शॉर्ट दिखाऊँ छोटे छोटे प्यारे बहन भाइयों के, कि हमारे देहात में ये चलता है सब। थोड़ा सा मैं कैमरा साफ़ कर लूँ, लगता है कैमरे पे ना मिट्टी आई हुई है, तो अब लग रहा है कुछ क्लियर है, पर क्लियर नहीं है। 10-12 हज़ार वाला मेरे पास मोबाइल है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अल्लाह पाक मेरा चैनल चलाएगा तो इंशाल्लाह मैं मोबाइल भी लूँगा, शायद कोई बहन भाई मुझे गिफ्ट ही दे दे अच्छा सा मोबाइल लेकर। तो कोशिश तो करता हूँ मुझे आईफोन मिल जाए, मेरा व्लॉग बहुत अच्छे बनेंगे। तो अच्छा वो तो आगे नसीब में जो हुआ वो ही होता है। तो प्यारे बहन भाई बातें तो होती रहती हैं और लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे भी मेरे हमसाए मेरे रिश्तेदार बहुत बातें करते हैं कि आसिफ वेला हो गया है, आसिफ कोई काम नहीं करता, आसिफ मोबाइल पे लगा रहता है, क्या करूं आपके सामने है, एक सेकंड भी मैं घर नहीं बैठता, मजदूरी करता हूं अपने पेट पालने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि अल्लाह पाक मुझे किसी चीज़ का मोहताज ना करे, अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे कि मैं अपने बहन भाई, अपने घर और अपने रिश्तेदार और अपने गरीब जो बहन भाई हैं उनकी मदद कर सकूं। कसम से मेरा ना प्यारे बहन भाई, मैं वो क्या कहते हैं ना झूठे दिलासे नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ खाली है, मेरे पास अभी कोई कुछ नहीं है, बस प्यारे बहन भाइयों की दुआ और मेरी माँ का और मेरे अब्बू जी का साथ और उनकी ढेर सारी दुआएँ मेरे साथ हैं। आंखें भी देखें ना लाल हो गई हैं, एक तो नींद नहीं पूरी होती ब्लॉग बनाते बनाते उसको सेटिंग करते करते इस वजह से, और बाकी काम भी वाल की कटिंग शटिंग, मैं खत भी बनवा नहीं सकता, सबसे बात है कि जेब अभी तक वो क्या कहते हैं जेब साथ नहीं देती। तो चले कोई नहीं, सब होता जाएगा वक्त के साथ, कहते हैं सीढ़ी बाय सीढ़ी जब चलता है ना बंदा इंसान तो कामयाबी मिलती है, ड्रैक ऊपर नहीं जाता इंसान। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूं काम में मेरे लिए। चलो ये तो फिर वो क्या कहते हैं बातें होती रहती हैं, और
अच्छा जी प्यारे बहन भाई, हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं ना आप सबको? अच्छे लगते ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। हमारी कुछ बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर, उनके लिए मैं वैसे तो मैं सब के लिए दुआ करूँगा, उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा दुआ होगी कि वो हमारे जो भी हैं करीब हैं, दिल के करीब हैं, इतनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताते हैं कि आपका ये ठीक था, आपने ये किया, आप वो क्या, ये सब पूछते हैं। तो कुछ बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ियाज़ की जो अम्मी है वो आपकी अम्मी की बहन है? नहीं 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 नहीं, अम्मी की बहन से भी ज़्यादा आपको करीब थे हम। जब से उन्होंने बनाया चैनल, थोड़ा सा वो भाई फ़ियाज़ माशाल्लाह बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हद से भी ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मेरा क्लास फेलो था, मेरा बचपन का दोस्त था, मैं उनकी बुराई नहीं करता, ना मैं कर सकता हूँ बुराई, क्योंकि मेरा वो क्या कहते हैं, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी की बुराई करूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, भाई फ़ियाज़ अपनी जगह ठीक है। तो उनके भाई फ़ियाज़ हैं बहुत अच्छे, बस सपोर्ट करते रहे हम जितनी कर सके हैं, मेरे ख्याल करती है उन्होंने, तो उसके साथ वैसे दिल से वो सपोर्ट करते तो मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाता। तो उन्होंने बस अपना जो भी वक्त था उन्होंने मेरे साथ पूरा किया, गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पाक लाख लाख शुक्र है, मेरा भी चल ही जाएगा, एक ना एक दिन तो चल ही जाता है। तो बता रहा था कि बहन नहीं है, बहनें बनी हुई थी, बहनों से भी ज़्यादा करीब थे, एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताऊँ, प्यारी प्यारी खाला अभी तक, मतलब कि भाई फ़ियाज़ की अम्मी अभी तक हमारे घर नहीं आई जब से उन्होंने अपना चैनल बनाया पंजाबी माँ जी, क्योंकि शायद उन्हीं में मसरूफ़ हैं या वो सोचती होंगी कि मैं जाऊँगी कहीं मेरा वो वीडियो ना बना लें ये वो। तो कोई नहीं, अम्मी जी और मैं 1000 से भी ज़्यादा बार गए हूँ भाई फ़ियाज़ लोगों के घर कि हमारी सपोर्ट कर दो, हाथ भी जोड़ें, पर उन्होंने कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा जी मैं आ गया हूँ घर, बातें तो चलती रहती हैं। सबसे पहले कपड़ों के हाल देखें, बहुत बुरा आ रहा है, पसीना इतना एक स्मेल आ रही है, अभी जाता हूँ घर नहाता हूँ, पहले अम्मी लोग और अब लोग कर रहे हैं काम, उनके साथ करता हूँ काम थोड़ा सा। इतनी बातें हो गई, इतनी मैंने अपने प्यारे बहन से, मेरा दिल का जो कहते हैं बोझ होता ना हल्का हो गया। चलें जी स्टार्ट, घर आ गए, अम्मी जी और अबू जी कर रहे हैं पट्टे काट रहे हैं, शाम हो गई है क्योंकि अभी करके आए हैं काम, तो उनसे ये भी ये फीमेल डॉग है और ये मेल है, हमने रखे हुए हैं अपने जो बच्चे वगैरह होते हैं मुर्गियों के लिए, उनको ना गिद्दड़ वगैरह ना उठा ले जाते हैं। ये देखिए हम अभी काम करके आए हैं और अम्मी जी और अबू जी कर रहे हैं, अल्लाह पाक कभी तो मेरे माँ बाप को सुख देगा, कभी तो सुख वाली ज़िंदगी होगी। हाँ जी अमित तो पाओ ना, मैं चाल जाना अमित। हाँ जी दे आए डाट, हाँ वो तो मैंने याद नहीं है, पर तिली लाई दिन पानी, मैं अपनी तिली देखते थे आ गए, और सही है अम्मी माशाल्लाह ना, हूँ तो फल चाहती पी, हूँ तेला भी को नहीं आई। आमीन आमीन जी आमीन। प्यारे बहन भाई असी हुणे हुणे आए हैं काम करके, उस्मान अबू को दादे अबू को नहीं बनना दादा अबू माची, ए देखो जानवर माशाल्लाह चारा, और अबू जी अम्मी जी हुणे असी पट्ठे कट्टे ने ते हुण लेके आ गए, तो माशाल्लाह बदल देख लो कि ए आ रहे बदल, ए देखो साडा काम, मतलब कि सुबह लगते शाम तक असी ए काम करदे आ, ते तुसी देखिया तो होना हर वीडियो कि असी कितना मतलब कि अपना हर हार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत का फल अल्लाह पाक दे ही देंदा है, ए भाई का माल है अबू हुण दा, अपनी मेहनत करते हैं इन्होंने पा रहे पट्टे छट्टे अल्लाह पाक। पहले तो सब तो पहले प्यारे भैन भाई दुआ जरूर करो कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश देवे, रहमत की बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी, मैंने इतनी एलर्जी हो गई, इतनी एलर्जी कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गर्मी बहुत मुश्किल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक लख लख शुक्र है, बहुत ज़्यादा बदल गाड़ा आ रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमत की बारिश आएगी, रहमत की बारिश, बराने रहमत अता फरमाए मेरे परवरदिगार, बराने रहमत अता फरमा। उस्मान दुआ मंगो अल्लाह पाक को लो कि अल्लाह पाक बारिश देवे। हाँ जी दुआ मंगो अल्लाह पाक,
बालिश दे मैं सदके मेरा काका दुआ मंगद हाथ जोड़ के दुआ मंगो हाथ जोड़ के हाथ इंज 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 हाँ इंज शाबा अकल्ला पाक बारिश दे ओ मैं छद के तो प्यारे बहन भी अल्लाह पाक इस बच्चे की दुआ कबूल कर ले। कभी वो कहते हैं कभी वो पल होते हैं कि अल्लाह पाक वो पल बहुत करीब होकर सुनता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी करीब होकर सुनेगा और रहमत रहमत की बारिश अता फरमाएगा। ए मेरे परवरदिगार तू बहुत रहम करने वाला और रहीम है, तू गरीबों का ख्याल रखने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी प्यारे बहन भाई इसी के साथ आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। तो अभी आपको मैंने सबसे पहले बात कही कि ये हमने खुड्डे वगैरह बनाने हैं, तो प्लीज़ मेरे बहन भाई थोड़ी सी सपोर्ट कर देना तो हम ये मतलब कि जो मुर्गे वाले खुड्डा है ना ये बना सकें, और जो मैं पहले आपको दिखा चुका ना मशीन वगैरह वो हम बना सकें कि वो, क्योंकि पट्ठे वगैरह जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और मुर्गियों का हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसी के साथ आज के वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी सपोर्ट की, और मैं भी अभी जाके नहाता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो दुआओं में याद रखिए कि इंशाल्लाह कल एक बहुत अच्छी वीडियो अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए लाएँगे। अल्लाह हाफिज़।